यो हमारो दसवें को टीका हो, ये सब लोगों ने एकदम नेपाली स्टाइल में किया हुआ ना, और यहाँ पे सब लोगों का रिएक्शन देखने को मिल रहा है, सब लोग कह रहे हैं एक है काफी आगे माफी। तो गाइस इतना रश कभी भी नहीं देखा गया यहाँ पर। हे फैमिली गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो गाइज आज है दशहरा और आप सभी को हैप्पी दशहरा, दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं गाइज। और अभी थोड़ी देर में हम लोग टीका लगाने वाले हैं, क्योंकि हमारे ऐसा होता है ना गांव में नेपाल में टीका लगाते हैं पूरा माथे में भर के, लास्ट टाइम आपने देखा होगा हमारे यहाँ जो दशहरा होती है बहुत धूमधाम से मनाते हैं और पूरा माथा भर देते हैं और पूरा दिन माथा भरा ही भरा रहता है। तो अभी बस थोड़ी देर में टीका लगा रहे, सब लोग नहा धोकर तैयार हो गए। ओ लो लो तुम दोनों को कितने क्यूट लग रहे हैं तुम दोनों। तो हेलो गाइस आज मैं कैसी लग रही हूँ? आज ना मेरे ब्लैक वाला नहीं ब्लू वाला सूट पहना, कमेंट में बताओ कैसी लग रही हूँ मैं, अभी तो बोलना। हेलो गाइस मैं भी कैसी लग रही हूँ, अब तू पकड़ कर बोला। तो यहाँ पर चल रहा है फोटो शूट, क्या बात है, पतली आ रही है। ये हमारा कैमरामैन जल्दी फोकस करो। अब ठीक है, एक ठीक है, बात कीजिए ठीक है, इसमें गए अच्छा लगा, चालू में भर रखा है ना। उल्ल भाई साहब क्या फोटो है रे। एक तो मैं ना शेव करना भूल गया और आज मंगलवार है तो हमेशा भूल जाते हो पता ही है, और मंगलवार है तो शेव नहीं कर सकता, मेरी फोटो ऐसी आएगी आज, आज का दिन क्या है? अच्छी आएगी यार, जल्दी करो यार, टाइम हो रहा है, टीका बनाना है, टीका लगाना है सबको, चलो खींचना। चलो यहाँ पे हमारे टीके का भी सारा सामान आ चुका है और टीका बनने जा रहा है। अब ये टीका लगेगा माथे में भर के। यो हमारो दसवें को टीका हो, ओ माई जो शर्ट चेंज क्यों करी क्या कपड़े चेंज? ये बोल के दिखाना अभी। बोल अभी आने वाले बताएगी। अभी एक फैमिली फोटो हो रही है, सब लोग सोच रहे हैं फोटो खिंचा लेते हैं, सब लोगों ने एकदम नेपाली स्टाइल में किया हुआ है ना, दशहरा मनाया हुआ है और यहाँ पे सब लोगों का रिएक्शन देखने को मिल रहा है, सब लोग कह रहे हैं इनको क्या हो गया इनको। इनका डायलॉग अब बोलो, डायलॉग जो उसमें डायलॉग मार रहा था कैमरा के आगे ऐसे ऐसे आगे करके मार वो जरूर डालना ऑन कैमरा। क्या क्या बोला क्या था वैसे? अब तेरे को तो इसको तो याद ही नहीं आएगा। ऐसे कपड़े चेंज अब उसके बाद एक है काफी आगे माफी। तो वैसे टीका टूका तो लग गया, हम लोगों ने सबने टीका लगा लिया, अब हम लोग बना रहे हैं खाना, मतलब नाश्ता भी खाना भी एक साथ ही, क्योंकि अभी टाइम बहुत हो गया है। तो आज के दिन ना मतलब जैसे लहसुन प्याज का होता है नहीं खाते हैं नवरात्रि में, तो दशहरे के दिन हम सब खा सकते हैं, मतलब जिसने वेज खाना है वेज, नॉन वेज खाना है नॉन वेज, सब कुछ खा सकते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे सब्जी काट रहे हैं और ढड़ू और मामा गए हैं बाहर और हम लोग अभी सब घर पे है, तो मामी भी अभी हमारी हेल्प करने के लिए आ गई है देखो, क्योंकि मम्मी पापा है नहीं ना, खुशी यहाँ पे आटा गूंद रही है और मामी यहाँ पे सब्जी लहसुन वहसुन निकाल रहे हैं, क्योंकि नवरात्रि में लहसुन वहसुन नहीं खाते ना, आज के दिन से हम खा सकते हैं और मम्मी पापा घर पे नहीं है ना, तो उनकी कमी बहुत लग रही है हमें, मतलब कोई बड़ा हो ना घर पे तो अच्छा लगता है, मतलब सारा कुछ त्योहार के दिन ना मजा आता है, तो इसलिए हमने मामा मामी को वहां से बुला लिया है। तो अभी हम लोग यहाँ पे खाना वाना बनाते हैं खाते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। और आज दशहरा है ना, रावण जलेगा और मेले में तो इतनी भीड़ होगी ना, तो मैं तो नहीं जा पाऊंगी, बाकी देखते हैं कौन कौन जाता है। कहाँ की हो रही तैयारी?
तैयारी कहाँ की है अब? शाम को मिले। हाँ ये तो घर तो छुट्टी नहीं है मेरी दशहरे वाले दिन। कौन? आप? छुट्टी नहीं है, छुट्टी है भी नहीं भी है। हाँ है भी नहीं भी है, दोनों है। आप कहीं नहीं जाना, खाना वाना खा के जाना है, ठीक है? जहाँ भी जाना। तो गाइस प्रेगनेंसी की वजह से ना मेरा फेस काफी डल हो गया है और काफी टैनिंग हो गई है मेरे फेस पे, तो मैं सोच रही हूँ बाहर जाके फेशियल करवा लूँ। अगर मैं बाहर जाऊंगी तो 15 से 2000 रुपए मेरे ऐसे ही लग जाएंगे फेशियल करने में। तो मैंने 145 की अल्प्स गुडनेस की फेशियल किट मंगवा ली है, तो अब इसे हम खोल लेते हैं और ट्राई करते हैं कि ये कैसा फेशियल किट है और मेरे फेस पे कितना फर्क पड़ता है। तो इसमें से निकले हैं 5 स्टेप्स। पहला स्टेप है क्लींजर, और क्लींजर यूज करते ही मेरी स्किन सॉफ्ट और स्मूथ हो गई है। दूसरा स्टेप है स्क्रब, और स्क्रब करते ही ऐसा लग रहा है कि मेरे फेस के ब्लैक हेड्स बहुत ज्यादा कम हो गए हैं और टैनिंग भी कम हो गई है। और इसके थर्ड स्टेप में निकला मसाज क्रीम, और हमने 10 मिनट तक अपने फेस पे मसाज करनी है, और मसाज के बाद आप लोग देख सकते हो मेरा फेस कितना ग्लो करने लग गया। फोर्थ स्टेप है मड मास्क, इसको अपने फेस पे अच्छी तरह अप्लाई कर लेना है। अब हम इसे थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ देते हैं, और मास्क हटाते ही आप लोग देख सकते हो मेरी स्किन गोल्डन ग्लो देने लग गई। यह है फिफ्थ स्टेप जो हमारे फेशियल में सबसे ज्यादा जरूरी है, एसपीएफ लोशन। और फेशियल करने के बाद आप लोग मेरे फेस पे रिजल्ट देख सकते हो कि कितना अच्छा आया है, मुझे तो यह बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। अगर आपको भी अल्प गुडनेस का गोल्ड ग्लो फेशियल किट विद सैफ्रन चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से जाओ ऑर्डर करो। तो वैसे भी मामा और मैं किसी काम के लिए बाहर आए हैं, और यहाँ पर ना लोग हमें ऐसे देख रहे जैसे पता नहीं क्या ही हो गया इनको, क्या हो गया। यहाँ पर किसी को पता नहीं ना दशहरे में कोई टीका लगाते हैं दशहरे में, हम लोगों ने ऐसे टीका लगाया सब लोग हमें देखने में लगे हैं, पता नहीं कौन अनोखे एलियन से आ गए लोग ऐसे सोच रहे हैं। आज हमारे मामा करने वाले हैं व्लॉगिंग, देखते कैसे कर रहे हैं। मामा कह रहे हैं मैं भानी आप कैसे बोलते हैं, मैं भी बोलता हूं। मैं चलो ठीक है आप बोलो, मामा बोलेंगे। आज हमारे नेपाल में दशहरा मनाते हैं बहुत अच्छी तरह, तो हम लोग मेरे भांजे के साथ और हम लोग अपने जो भी खाने पीने का सामान होता है वो लाने के लिए जा रहे हैं, और हम लोग अपने पार्टी के लिए जो भी एंजॉय करने वाले सामान जो भी चीज़ें हैं खाने पीने वाले सारे सामान लेने के लिए अब मेरे भांजे के साथ में जा रहा हूँ, और बस बहुत अच्छा लग रहा है मुझे जो भी है देख लो शर्मा गए मामा, शर्मा गए चलो मैं ये क्लिप डाल दूंगा, मामा को भी याद रहेगा व्लॉग में ना, एक मतलब मेमोरी बन जाती है व्लॉग में। हम लोग क्या कर रहे हैं, मेमोरीज इकट्ठी कर रहे हैं, बस बाद में जब देखेंगे तो मजा आता है, बस वही है मेमोरी एक और इकट्ठी हो गई। चलो फाइनली आज इसका उद्घाटन हुआ एक हफ्ते बाद। हाँ अब बेचारा वो सूख सूख के कैसा हो गया फ्रिज में रख रख के, सूखता है दिमाग खराब, हफ्ता हो गया उसको, मैंने उसी दिन बोल दिया था ये छिलका उतारो। तरबूज कैसे खाते हैं, कैसा है? कोई टेस्ट नहीं है इसमें, टेस्ट ही नहीं होता है, पानी पानी होता है। अच्छा है, इसका क्या फायदा होता है मुझे पता नहीं है, आप लोग बताओ, आपको पता है तो। कुछ ना कुछ फायदा तो होता होगा, नहीं खाना मैंने, मैं तेरे से पूछ ही रहा हूँ और मुझे बताना है ऐसा कमेंट करके क्या फायदा होता है खाने से। बस अभी हम सब ने खाना मेरा खा लिया है और एकदम मस्त सब लोग सो रखे हैं, और मेरे को नींद नहीं आ रही तो इसलिए मैं सोया नहीं, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं मेले जाके आ जाऊँ। प्रिया तो जा नहीं सकती है और गौतम गया हुआ अपना मेले घूमने के लिए, और मैं अभी जाता हूँ अपने दोस्तों के साथ मेले घूम के आता हूँ, और आप लोगों को भी मेला घुमा के लाता हूँ। हमारे यहाँ कैसा मेला लगता है मैं आपको दिखाता हूँ, और बहुत मजा आएगा मेले में मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो इस बार जो मेला लगा है ना मेले की डेकोरेशन बहुत ज़्यादा सुंदर बना रखी है, बहुत अच्छी बना रखी है डेकोरेशन, और अभी जाते हैं देखते हैं क्या हो रहा है, क्या मतलब सीन है वहाँ पे, और आपको भी दिखाता हूँ। बाकी आप लोग सिनेमैटिक इन्जॉय करना, उसके बाद आऊँगा जब मैं घर तब के बाद फिर दोबारा जाएंगे हम लोग घूमने के लिए, मामा में लोग भी आ रखे हैं सब लोग, फिर जाएंगे सारे साथ में घूमने के लिए। यहाँ प्रिया सोई हुई है, इसको सोने देते हैं, अपन चलता है। नहीं यार इसको बता के जाऊंगा, नहीं बता के जाऊंगा ना फिर दोबारा पंगा कर देगी, कहाँ गए कहाँ गए, पंगा नहीं मतलब टेंशन हो जाएगी इसको, तो इसलिए मैं बता के जाऊंगा। प्रिया मैं अभी आया है मेले जा रहा हूँ, ठीक है? हैं किसके साथ? दोस्तों के साथ, तू सो ठीक है, उसके बाद फिर मैं तेरे को लेके जाऊंगा बाद में, मेरे हो जाएगी नहीं तू जाना है तो चलो अब शाम को इसको भी लेके जाना पड़ेगा। तो चलो गाइस अभी हम लोग निकलते हैं मेले को और आपको भी लेके चलते हैं वहाँ पे, आज पता लगेगा हमारे यहाँ पर कितने लोग हैं, कितनी आबादी है ना, ऐसे कुछ बहुत ज्यादा है आज, एक एक बंदा ना मतलब वो होता है ना बिल से निकला है कि तुम वहाँ पे व्लॉग नहीं बना पाओगे। हाँ व्लॉगिंग तो वहाँ पे बिल्कुल नहीं होगी, सिनेमैटिक होगा, वही छुप छुप के मैं वीडियो बना पाऊंगा, बाकी जो बाकी बचा कुचा व्लॉग है इसके उसमें आ जाएगा। कुछ नहीं देखना तो मेरे चैनल में, कुछ नहीं देखना ये बढ़िया था गुरु। तो गाइस इतना रश कभी भी नहीं देखा गया यहाँ पर, यहाँ से हम डेली जिम जाते हैं, यहाँ से हम डेली जिम जाते हैं, यहाँ पर इतना रश है देखो, फोन संभालना जरूरी है। मेरा मन नहीं कर रहा है अंदर जाने का, डर लग रहा है इतनी ज्यादा भीड़ है। चल चल चल
यहाँ पर सब लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ओ भाई साहब, ये लोग रावण को रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं इन सबको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। भाई मैं गिर ना जाऊं, बस ध्यान देना। उतार दे भाई, उतार दे, उतार दे वो भाई, लैंड करा दे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इसकी हालत खराब होगी बेचारे की। तो भाई जो जो आपको ये सीन देखने को मिला है सारे इसकी बदौलत। ऑल क्रेडिट गोज टू विकास जोशी व्लॉग्स, जो व्लॉग अभी डालता नहीं है, डालूंगा जल्दी। तो गाइस यहां पर अमित गुम हो चुका है और हमें मिल ही नहीं रहा है, और यहाँ पर बना लिया टास्क है, और यहाँ कोई जैमर लगे हैं शायद, कॉल भी नहीं लग रहा है कोई भी। तो गाइस अभी मिल चुका है अमित, तो उसे हमने बोला कि यहाँ पर आने के लिए, जहाँ पे हमने टैटू वाली वीडियो बनाई थी। आ गया, कहाँ था भाई तू? मैं इधर नेटवर्क नहीं मिल रहा था। हाँ तो सिनेमैटिक बना देना थे, आगे चला गया मैं। हाँ पता है। तो गाइस मेले में ना किसी को आना नहीं चाहिए यार, बहुत ही ज्यादा गंदा एक्सपीरियंस था। अंदर हमको एंट्री नहीं मिली पहली बार, इतना रश था और वहाँ पे, अरे पहले तो मिली नहीं, तीन बार हमने कोशिश की, हमें मिली नहीं, उसके बाद फिर हमने कहा जाना ही नहीं, हमने कार में अंदर जाना हमको। और हम लोग अब जा रहे हैं क्रोमा में, वहाँ पे इसने आईपैड लेना है अमित ने, और मेरे को, मैंने आपको बताया था कनेक्टर लेना, वो लास्ट व्लॉग में ले नहीं पाया था, और अभी जाके देखता हूँ यहाँ मिल जाएगा शायद। ये कॉफी पी सकते हैं हमारे लिए, तो मैं पानी नहीं पीऊंगा, कॉफी पीऊंगा। हमारा इतना जल रहा है, हमारे एंट्री करते हैं यहाँ पर, तीन कॉफी पहले से तैयार है। सच में जो आईपैड है ना, बहाना ही था आईपैड, सच में बहाना था, मेन तो हमें कॉफी पीना था, है ना। कॉफी भी टेस्टी पी के देखो, आराम किया ना इसलिए। मेले में इतनी भीड़ थी ना, अच्छा हुआ हम लोग नहीं गए, और ये लोग भी गुम हो गए थे, ये भी अभी आ रहे हैं मेले से, कि बहुत ज्यादा भीड़ थी डड़ू। तो अब हमारा प्लान चेंज हो गया, हम लोग जा रहे हैं मूवी देखने के लिए, और मामा मामी लोगों को भी लेके जा रहे हैं, क्योंकि वो लोग भी नहीं गए ना, उनका भी फर्स्ट टाइम है। हमने कहा चलो आज दशहरा है तो हम घूम के आते हैं, सभी लोग जाते हैं, तो मम्मी लोग तो है नहीं घर पे, अगर मम्मी लोग होते तो और मजा आता, तो मामा मामी को लेके चल रहे हैं। यहाँ पे सब रेडी हो चुके हैं, चलो चलो बैठो बैठो जल्दी बैठो, चलो ड्राइवर जी। तो यहाँ पे हर हर बार की तरह स्ट्रगल किया जा रहा है, दो बच्चे आगे फिट हो गए, ठीक है
और एक बच्चा यहाँ फिट हो गया। बच्चा तो बहुत भारी है। चलो मेरे को छोड़, ये तो मेरे को छोड़ के जा रहे, मैं बैठी नहीं हूँ पहले, अरे मैं बैठी नहीं पहले जा रहे हैं। वाह, आपको पता नहीं था क्या मैं बैठी नहीं? मुझे नहीं पता लगा। मुझे लगा बैठी नहीं है, गिरी तो नहीं? नहीं बैठी नहीं, ऐसे खड़ी थी मैं। यहाँ मामी का उल्टी कर करके बुरा हाल। मामी आप तो कहीं ले जाने जैसे ही नहीं हो। सिर्फ आधा घंटा भी नहीं लगा, 15 मिनट के रास्ते में मामी को 3-4 बार उल्टी हो गई है। हाँ अपना बच्चा संभालो भाई, अपना बच्चा संभालो, समझ लेना, देंगे ना। कोई बात नहीं, मत देना, मत देना, दूसरा आ रहा है हमारे पास। यहाँ पे चल रही है फैमिली फोटो। वाह, उनकी फैमिली में तू कहाँ घुस गए, ये कहीं भी घुस जाती है बीच में। और जब हमने अपने साथ फोटो खिंचानी होती है ना, तभी बिल्कुल ही नहीं आती। तो हमने टिकट बुक कर ली है, अब हम थोड़ी देर में जा रहे हैं अंदर मूवी देखने के लिए। हो गया, चलो 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 जल्दी आ जाओ।